हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ अमेजिंग तीन ऐप्स के बारे में, और दो अनाउंसमेंट्स भी मैं करना चाहता हूँ। अनाउंसमेंट चालू करने से पहले मैं आपको गाइस बता दूँ आज की इस वीडियो में कि आपको गए वीडियो में एक बंदे का कल कमेंट आया था, जैसे कि आपको पता होगा कि कल एक बंदे का कमेंट आया था कि भाई फ़ोन का डिलो चाहिए था उनको, एक रेडमी 9 पावर का। तो मैं दिला नहीं सका ऐसा तो नहीं, मैंने उनको लिंक भेजा था पर उनके हिसाब से वो वेबसाइट उनको अच्छी नहीं लगी। वो तो होएगी क्योंकि वो अलग ही टाइप की वेबसाइट थी, और दूसरी बात कि वो ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए भी डर रहे थे। मतलब आपको पता होता है कि रिस्क रहता है ऑनलाइन पेमेंट अगर आपको माल डिले, वो बात तो सही है। पर अभी देखो गाइस कैसा है ना कि अगर आपको अर्जेंट है डिलीवरी का, वो वीडियो किस चीज़ पे मैंने बनाया था, अगर किसको अर्जेंट है मोबाइल लेने का, वो कोई भी पैसा दे के, मतलब कैसे भी पैसा दे के पे कर सकते हैं। भाई COD नहीं तो COD चलेगा, COD नहीं है तो चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट है तो चलेगा, ऑनलाइन पेमेंट है तो भी चलेगा, COD नहीं है तो सही चलेगा, और कोई भी प्राइस का मोबाइल रहेगा तो भी चलेगा। पर इतना अगर आपको ज़रूरत है तो ही वो मैंने वीडियो बनाया था, ऐसा नहीं बनाया था कि भाई अर्जेंट नहीं है। पर जो भी हो, अर्जेंट अगर है और आपको तो भी रिस्क लग रहा है कि भाई COD नहीं है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि वैसे अभी कोई निकला नहीं हो, क्योंकि रूल्स चेंज होता है वेबसाइट का। हम लोग ने फ्लिपकार्ट से बहुत सारा चीज़ ऑर्डर किया था भाई, हम लोग का आ रहा था, पर देखो गवर्नमेंट का क्या है ना, हर बार लॉकडाउन में आ जाते हैं और लॉकडाउन मोड में आ जाते हैं। हर बार अगर एक एक हफ्ते का लॉकडाउन अगर बढ़ाते हैं तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस वापस से लगा देते हैं, तो बाद में का क्या होता है वो हमें नहीं पता चलता, हम अभी का बताते हैं। इसलिए हम लोग वीडियो बना के रख देते हैं। क्या है ना कि हम लोग महाराष्ट्र पॉइंट ऑफ व्यू बात कर रहे हैं, ठीक है। तो महाराष्ट्र में तो डिलीवरी हो रहा है अभी, जो दूसरे पिन कोड का है उसमें भी हो सकता है डिलीवरी। तो अगर आपको कोई फ़ोन का लिंक चाहिए होगा तो मेरे को मैसेज करना। पर अगर COD नहीं है, COD का ऑप्शन है क्या नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है। और स्नैपडील पे भी आपको रेडमी 9 पावर का ऑनलाइन पेमेंट, देखो स्नैपडील ना अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के तीसरे नंबर पे आता है, क्योंकि स्नैपडील भी एकदम भरोसेमंद ऐप है, ठीक है। तो आप स्नैपडील को भी जा सकते हो गाइस, ठीक है। और क्योंकि उसमें हम लोग ने बहुत सारा चीज़, हम लोग ने भी भाई महंगा चीज़ लेके उसमें रिटर्न करवाया, रिटर्न का भी ऑप्शन है, सबका ऑप्शन है। पर उसमें फ़ोन महंगा इसलिए मिल रहा है क्योंकि क्या है, देखो अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी ज़रा देखना पड़ता है, प्राइस बढ़ता है, प्राइस प्रॉफिट लॉस के ऊपर है, ठीक है। तो या फिर आप ले लो रेडमी 8 Note Pro क्या होता है वो, जो भी होता है, हमने तो भाई ओप्पो के साइड ही लिया है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और रेडमी 9 पावर आपको स्नैपडील में मिल रहा है, वैसे तो अच्छा ऑफ़र है, 13,999 का आपको 11,000 में मिल रहा है, ठीक है। तो अच्छा ऑफ़र है वो भी, या आप अप्लाई कोड डाल के, आप कूपन कोड डाल के भी ये रिडीम कर सकते हैं ऑफ़र को। और गाइस चलिए वीडियो चालू करते हैं, आई डोंट नो बड़ी होगी वीडियो। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि व्हाट्सएप का एक नया वर्जन आया है, फेक चैट, जो कि मैंने बहुत दोस्तों को उल्लू बनाया भी है, व्हाट्सएप फेक चैट। तो इससे आप अपने दोस्तों को फेक चैट से मैसेज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। और सब मतलब उल्लू बना सकते हैं, आउटगोइंग इनगोइंग जो भी चैट्स आप करते हो वो भी कर सकते हैं। आप आपका कोई भी फ़ोटो लगा के वहाँ पे टाइपिंग का सब सेटिंग्स करके आप दोस्तों को स्क्रीनशॉट लेके भेज सकते हैं, वो भी एक अच्छी बात है। अच्छी बात मतलब प्रैंक व्रैंक करने में काम आती है, ठीक है। तो इसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और दूसरी भाई ऐप है ये बीनेमी, ये ऐप जो करता है गाइस, ये आपके यूट्यूब चैनल के लिए ज़्यादा, अगर आप देखा होगा मैं कभी भी प्रेजेंटेशन करता हूँ तो ये देखो मैंने प्रेजेंटेशन किया एक, तो ये अभी के लिए किया था यूट्यूब के लिए, मैं वीडियो के लिए, तो बस ये प्रेजेंटेशन करने के लिए होता है, बाद में आप इसको प्ले करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते, तो ये भी आप कर सकते हो। पर ज़्यादा से ज़्यादा 5 template ही यूज़ कर सकते हो, उसके बाद आपको स्पॉन्सर ऐड देख के उसका रिन्यू कराना होगा उसके आगे, ठीक है। तो ये भी इसमें म्यूज़िक रेज हैंड सब कर सकते हो आप, वॉइस ओवर म्यूज़िक ट्रैक लगा के, ठीक है। तो ये दूसरा ऐप है,
और हमारा जो तीसरा ऐप रहेगा गाइस वो है प्रॉक्सी रीडर, जो कि प्ले स्टोर पे मिल जाएगा आपको, यानी कि पीडीएफ रीडर, पीडीएफ कन्वर्टर, जो कि मैंने इंस्टॉल किया हुआ है शायद तक, नहीं मैंने इंस्टॉल नहीं किया है, मैंने अनइंस्टॉल कर दिया था गलती से। तो ये इमेज टू पीडीएफ ये मैंने अनइंस्टॉल करके रखा था, अभी इंस्टॉल कर लेता हूँ। क्या होता है ना गाइज, मेरा फ़ोन जो है वो मैंने अपग्रेड करने के लिए रख दिया था, यानी कि एक सॉफ्टवेयर अपग्रेड आया था जिसमें कि सब आधे ऐप्स जो है उसको मैंने हटा दिया था, और बाद में इंस्टॉल करना था, मैंने वो सब किया पर ये करना भूल गया। तो ये तो है, क्योंकि अभी हमारा ऑनलाइन है ना, तो हम क्लासेस का जो भी सब स्कूल का जो भी टेस्ट रहता, तो इसमें फ़ोटो खींच के हम लोग कन्वर्ट पीडीएफ में व्यूअर से हम लोग सीधा उसको शेयर कर देते हैं पीडीएफ। तो ऐसा भी एक ऐप है गाइज। और दूसरा अनाउंसमेंट, दूसरा चीज़ ये है कि गाइज मैं लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाला हूँ गेम प्ले का, जस्ट देखने वाला हूँ कि जस्ट देखने वाला हूँ कि क्या है क्या नहीं, क्योंकि लाइव स्ट्रीम है, पहला लाइव स्ट्रीम है, शायद तक अच्छा हो सकता है मेरा लाइव स्ट्रीम, शायद तक उसमें बहुत कमी आ सकती है, तो मुझे पहले भाई क्षमा कर लेना, क्योंकि मेरा लाइव स्ट्रीम पहला बार का ट्राई है, अच्छा भी जा सकता है। अभी नहीं चालू होएगा, थोड़े दिनों बाद, यानी कि जून से स्टार्ट होएगा, क्योंकि अभी चालू नहीं, बस अभी शेड्यूल करके रख सकते हैं हम लोग स्ट्रीम को, पूरा हम देखना होगा लीग रिक्वायरमेंट, हमें खुद को पहले प्रिपेयर रखना होगा तब जाके, इतना भी नहीं कि एकदम हम लोग एकदम घटिया सा लाइव स्ट्रीम करें, हम लोग अपना प्रिपेयर करेंगे, देखते क्या होता है। लाइव स्ट्रीम करना है हमें भी थोड़ा गेम प्ले का, गेम डाउनलोड करके ऐसे ही रखा है, अभी तक गेम चालू ही नहीं किया, कितना सारा अपडेट आया होगा भगवान को ही पता, क्योंकि हमें तो नहीं पता कुछ, ठीक है। और लाइव स्ट्रीम भी स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, देखेंगे कितने महीने में क्या, हफ्ते में क्या है। और डिलीवरी का आपको बता दिया मैंने स्टार्टिंग में, आपकी मर्जी, आपको सीओडी लेना है, ऑनलाइन लेना है, को अभी हमारे इधर। और एक ट्रिक होता है कि हमारे इधर मैक्सिस के पास बहुत सारे अपने आस पड़ोस के पास जो जहाँ पे दुकान रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का, उनका नंबर लेते हैं हम लोग और कॉल करते हैं, वो उनके बिल्डिंग में हमको फ़ोन डिलीवर करते हैं या वो घर पे आके देते हैं। तो ऐसा भी आप ट्रिक यूज़ कर सकते हो। और दूसरा ट्रिक या फिर आपको ऑनलाइन पेमेंट करके लेना होगा, या तीसरा ट्रिक सिंपल है, लॉकडाउन खुलने का ही वेट करो, ठीक है। और मैं ज़्यादातर की चीज़ें हम लोग तो ऑनलाइन ही लेते हैं, मोबाइल वो सब, तो मेरे रिलेटिव्स और जो लिंक मैं भेजता हूँ व्हाट्सएप पे किसको भी जो मेरे को मैसेज करते, वो व्हाट्सएप में जो लिंक है ये वो मैं मेरे हमारे रिलेटिव्स ने जो फ़ोन ऑर्डर किया है, रिटर्न का ऑप्शन है उनका, जो सेम है वही लिंक मैं आपको सेंड करता हूँ, कोई सर्च मार के नहीं, सर्च मार के तो बिल्कुल ही नहीं करता हूँ, ठीक है। तो नेट जाएगा ना, इसलिए हम सर्च मार के कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बस यही बताने के लिए कॉल किया था, वीडियो रखा था, और एक ये दो तीन ऐप्स के बारे में, और लास्ट स्ट्रीम के देखते हैं हम लोग क्या होता है, कर लेंगे जो होएगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय गाइस।